वेलकम एवरीवन, स्टडी मेटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके की सेकेंड क्लास देखेंगे, जिसमें किस नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, किस पहाड़ी से होता है। आज के उसके बारे में सामान्य पृथ्वी के बारे में देखेंगे। हमने कल सामान्य पृथ्वी के बारे में देखा था, आज हम नदियों की सामान्य पृथ्वी के बारे में देखें। अपना क्वेश्चन है, विराट की पहाड़ी से निम्न में से किस नदी का उद्गम होता है। विराट की पहाड़ी से निम्न में से किस नदी का उद्गम होता है। साबी नदी का होता है, कापनी नदी, बाणगंगा नदी और चंबा नदी का। हम और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इसके अलावा आप इस काम से बताएं। साबी नदी से नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी जयपुर से साबी नदी का उद्गम होता है, यानी साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी जयपुर से होता है। कापनी नदी का उद्गम हो कैसे, कापनी कैसे कोटड़ी गाँव की पहाड़ी जैसे मेरे से काकनी नदी का उद्गम होता है, यानी कैसे काकनी कैसे कोटड़ी गांव की पहाड़ी जैसे मेरे से काकनी नदी का उद्गम होता है। और बाणगंगा नदी का उद्गम वो विराट की पहाड़ी जयपुर से इसका उद्गम वो होता है। और चंबल की चंबल नदी का उद्गम वो चंबल राजस्थानी किया एक जान, इसलिए चंबल नदी का उद्गम जानापुर की पहाड़ी MP से इसका उद्गम होता है। और इसकी लंबाई वो 1051 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी वो चंबल है, और पूर्णतः राजस्थान की राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी वो बनास है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल है। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी वो बनास नदी है। और मेथा नदी का उद्गम वो मनोहरपुर थाना से इसका उद्गम होता है, यानी। और कांजनी नदी का उद्गम वो खंडेला की पहाड़ी शिखर से काजली नदी का उद्गम होता है। रूपाली नदी का उद्गम यहाँ थाना गाजी तहसील उदयनाथ पहाड़ी से अलवर से इसका उद्गम होता है। हाँ, रेल है वो कौन बनाती है, थाने वाले बनाते हैं। और कैसे रेल बना दी जाती है, ना जैसी रेल है वो थाने के द्वारा बना दी जाती है, इसे याद रखें। माही नदी का उद्गम है वो अमोरू की पहाड़ी से माही नदी का उद्गम होता है। और बनास नदी का उद्गम खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है, यानी साबी नदी का उद्गम शहर की पहाड़ी और कांकनी नदी का उद्गम कोटड़ी गांव की पहाड़ी से, और बाणगंगा नदी का उद्गम वैराट की पहाड़ी जयपुर से उद्गम होता है। और चंबल नदी का उद्गम जानापुर की पहाड़ी MP से इसका उद्गम होता है। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी वो चंबल है, और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे नदी सबसे लंबी नदी बनास नदी है। और मेथा का मनोहरपुर थाना से उद्गम होता है, कांतली का खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से होता है, और रूपाली का उद्गम थाना का जीत है उदयनाथ पहाड़ी अलवर से होता है, और माही नदी का उद्गम अमोरू की पहाड़ी से होता है, और बनास नदी का उद्गम खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। आपको फैक्ट अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।